ये जो पीछे की सीट है 5 सीटर ऐसी इक्को है, ये 7 सीटर में भी अवेलेबल है। ये 7 सीटर में जब आप अलग से मार्केट से एलपीजी किट करवाते हैं तो कार के अंदर काफ़ी स्पेस कम हो जाता है, क्योंकि जो एलपीजी की का जो टैंक होता है उसको कहाँ पे फिट करें, जितना स्पेस जैसे कंपनी फिटेड से सीटिंग आएगी उसमें कोई चेंजेस ना हो। तो ये जो आप देख रहे हैं सीट, इसको हल्का सा वेल्डिंग करके मॉडिफाई किया है और मुश्किल से 2 इंच इसको आगे खिसकाया है, और इसके बाद ये आप देख रहे हैं नट यहाँ पे लग चुका है, एक यहाँ पे लग चुका है, पीछे भी काफ़ी सफिशियंट जगह है। अब आपको पीछे में दिखा दूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेन जगह इको के अंदर, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपका स्पेस भी कम ना हो। ये जो गैलरी टाइप इसमें नीचे स्लॉट दिया है, तो यहाँ जो 7 सीटर की एक सीट आएगी मॉडिफाई करके, आप इसको इससे 2 सीट इधर लगा सकते हैं, 2 इधर, तो 4 बंदे इधर आसानी से बैठ सकते हैं। और मेरे को आवश्यकता नहीं है तो ओनली मैंने 5 सीटर एसी पास है कार, तो इसमें 2 बंदे आगे और 3 बंदे पीछे बैठते हैं। इसके अलावा ऑल मल्टीपर्पज़ लगेज के हिसाब से मैंने गाड़ी को कोई एक्स्ट्रा मॉडिफाई नहीं किया है। अगर मैं यही किट इस जगह लगाता, पीछे तो लीटर कैपेसिटी का है लगभग, टंकी की बात की जाए तो इसके अंदर 2.5 से 3 टंकी गैस आ जाती है, और वैसे 75 लीटर कैपेसिटी दी है इसकी। अगर इसी टैंक को हम यहाँ पे लगाते हैं तो फिर यहाँ का सारा स्पेस ख़त्म हो जाता है, और फिर गाड़ी के अंदर आप लगेज वगैरह नहीं रख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे अगर अपन ने बीच वाली सीट को 2 इंच आगे खिसका दिया, तो इसके बाद आप देखिए कैसे कितना शानदार फिटिंग होती है एलपीजी किट की। इसमें सेटल है, पीछे का स्पेस पूरा पूरा है। आप इसमें 60 लीटर का टैंक भी लगवा सकते हैं, जिसको बोलते हैं 2 टंकी का, और ये 3 टंकी का है। एक बार फिलअप फुल होने के बाद गाड़ी आराम से 650 से 650 किलोमीटर निकाल देती है, और काफ़ी वेल फिटिंग होती है यहाँ पे, कोई वाइब्रेट वगैरह नहीं होता है। फ्रेंड, तो आपको भी जब भी आप मार्केट से नई को ख़रीदते हैं, तो आपको जो भी गैस किट लगवाए लगाने वाला बंदा है उसको बोल देना है कि आपका जो टैंक फिटेड करवाना है, इस तरह आपको फिट करवाना है कि गाड़ी का स्पेस बरकरार रहे और कोई भी स्पेस में कटौती ना हो, ताकि पीछे बड़ी आसानी से लगेज वगैरह है आप आसानी से रख सकें। फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम से टाइम अपडेट मिलते रहे और देखने को मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।